नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग, आप लोग देख रहे हैं पॉम टॉय अनुराग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हर वीडियो की तरह आज के इस वीडियो में भी मैं आपका ज़बरदस्त वैल्यू एडिशन करूंगा और एक ऐसा चीज़ बताऊंगा जिससे आपके डॉग की जान बच सकती है। नहीं तो लोग छोटी छोटी गलती कर देते हैं जिसके वजह से उनके डॉग की जान भी चली जाती है और बहुत ही बुरी तरीके से। दोस्तों, ये जो आपको टिक दिखाई पड़ रहा है ये एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है जिसका अंदाज़ा आप लोगों को नहीं होता है। दोस्तों, आपके डॉग के बॉडी में अगर 100 भी टिक्स हो जाए तो आपके डॉग को कुछ नहीं होगा, लेकिन एक गलती अगर आपने कर दिया तो आपके डॉग की जान चली जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, थोड़ा सा भी मत छोड़िएगा और पूरा देखिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि आप क्या गलती करते हो और बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ है ये ज़ायरो, बहुत ही ब्यूटीफुल जर्मन शेपर्ड मेल डॉग है, बहुत ही बड़े साइज़ का है जिसको आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों, आज हमारे वीडियो में हेल्प कर रहे हैं हमारे ज़ायरो, तो इनके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपके डॉग के बॉडी में इस टाइप का टिक्स दिखाई पड़ रहा है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको पकड़ करके निकाल देते हैं। ये गलती आप कभी मत करिएगा, उसको निकालिएगा मत। दोस्तों, टिक्स से एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है जिसको टिक फीवर बोलते हैं। अगर आम भाषा में समझने की कोशिश करो तो वो एक डेंगू की तरह है। दोस्तों, डेंगू बहुत ही खतरनाक होता है अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग में कैच नहीं किया तो। जैसे ही 10 दिन 12 दिन हुआ वो डेंगू बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि आपके डॉग के बॉडी का जो प्लेटलेट्स है वो बहुत ही तेज़ी से डाउन कर देता है, बहुत ही तेज़ी से। और टिक फीवर में आपके डॉग के बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही हाई हो जाता है, 105 के पास रहता है, 106, 104, और ये बहुत ही हाई टेम्परेचर हुआ। इसके बाद का जो टेम्परेचर होता है इसमें डॉग का जो खून होता है वही फट जाता है और डॉग की जान चली जाती है। और टिक फीवर में क्या होगा कि दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा प्लेटलेट डाउन होने के बाद डॉग का जो नोज है, कहीं भी कोई भी ओपनिंग है उससे ब्लड निकलना स्टार्ट कर देगा। जैसे नाक हुआ, जैसे कभी कभी कान होता है, कभी कभी एनस से भी निकलने लग जाता है, और कभी कभी मतलब कि जहाँ से पॉटी करता है वहाँ से भी ब्लड निकलने लग जाता है, मतलब कि जहाँ भी ओपनिंग है खास करके नाक से। तो दोस्तों, ये दिखने में बहुत ही क्यूट सा ये प्राणी है टिक्स, लेकिन ये बहुत ही घातक है। तो इसको निकालना है तो कैसे निकालना है ये मैं आपको बतलाने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपके डॉग के बॉडी में 100 टिक्स भी आ जाए तो आपके डॉग को कुछ नहीं होगा, लेकिन दोस्तों अगर एक भी इन्फेक्टेड टिक्स आपके डॉग के बॉडी में आ गया तो उसको फिर टिक फीवर हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सारे टिक्स से हो जाता है टिक फीवर, एक खास तरीके का इन्फेक्टेड टिक्स से ही टिक फीवर होता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके डॉग के बॉडी में टिक्स आ चुके हैं तो उसको आप लोग पकड़ करके दबा करके खींचिएगा मत, नहीं तो क्या होगा, वो जो टिक है अपने मुंह से सलीवा निकाल देगा और इसके बॉडी में चला जाएगा और टिक फीवर होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि पाउडर, सबसे पहले तो आप उसके बॉडी पर पाउडर मार दीजिए। पाउडर, दो पाउडर मैंने देखा जिसका अमेजिंग रिजल्ट है, एक तो नोटिक्स और दूसरा स्काईसी का, देख सकते हो दोनों का पिक्चर मैंने डाल दिया है और इस दोनों का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले तो ये पाउडर मार दीजिए। अब दोस्तों, आपको निकालना कैसे है देखिए, एक तो आता है टिक ट्विस्टर जो कि यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई पड़ रहा है, जो हमारे पास नहीं है, लेकिन दूसरा हमारे पास ये है, देख सकते हो कंघी, बहुत ही पतला सा, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये पतला सा कंघी है और मेरे कंघी में बीच बीच में कहीं कहीं ज़्यादा स्पेस है। तो दोस्तों, टिक ट्विस्टर में क्या होता है कि इस तरीके का जो ओपनिंग बना हुआ है वो उसके माउथ में फंसा करके और धीरे धीरे आपको ऊपर खींचना है, और जब टिक्स निकल जाए उसके बाद वहाँ पर आपको बीटाडाइन हल्का सा लगा देना है। तो इससे क्या होगा कि डॉग का बॉडी चपाएगा भी नहीं, उसके मुंह से सलीवा भी नहीं निकलेगा और आपका डॉग भी बचा रहेगा। लेकिन दोस्तों, वो टिक ट्विस्टर मेरे पास है नहीं, मेरे पास ये कंघी है, तो मैं इसी से क्या करता हूँ कि चिमक्कन जो होता है, टिक्स जो होता है, उसके माउथ में घुसा करके और धीरे धीरे पुल करता हूँ, वो छोड़ देता है। अब दोस्तों, कई बार क्या होता है कि अगर आप लोग ऊपर से पकड़ के निकालोगे तो उसका जो मुंह है, टिक्स का जो मुंह है, वो उसके चमड़ा में फंसा हुआ रह जाता है और बाद में वो जो मुंह है वो टूट करके सर जाता है और आपके डॉग के चमड़ा में घाव हो जाता है बहुत ही बुरी तरीके से। तो उसको खींचिएगा मत, वो धीरे धीरे आप खींचिएगा तो आपका जो टिक्स है वो निकल जाएगा और बाद में वहाँ पे बीटाडाइन लगा दीजिएगा ताकि जो इन्फेक्शन होने का खतरा है वो नहीं होगा।
और दोस्तों ये जो टिक ट्विस्टर है अमेजन पे मिल जाएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों ये एक छोटे से वीडियो में मैंने सोचा कि आपके डॉग को बचाने में एक छोटा सा हेल्प कर दूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग 10 में से कितना स्टार देना चाहोगे ज़रूर दीजिए कमेंट में, ताकि मुझे भी आइडिया मिले कि आप लोगों को कितना ये संतुष्ट किया है, ये इन्फॉर्मेशन कितना अच्छा लगा है। और साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स के डॉग को भी जान बचाने के लिए ये वीडियो उनको शेयर करिए, ताकि ये चीज़ उनको पता चले तो पकड़ पकड़ के टिक्स ना निकाले। तो दोस्तों आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो था, ऐसे ही बहुत सारे वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा ही रेड कलर में आपको नीचे सब्सक्राइब मिलेगा और बाद में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। दोस्तों तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।